आप बिना पैसे के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक हाईली इलीगल प्रैक्टिस है, तो इसीलिए इसको कभी भी मत करना। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। आज हम बात करने वाले हैं डब्बा ट्रेडिंग के बारे में, एक ऐसी प्रैक्टिस जो इंडिया में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है लेकिन हाईली इलीगल भी है। देखिए, इंडिया में अगर किसी भी इंसान को मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर एक मार्केट रिलेटेड बिजनेस शुरू करना है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर ब्रोकरेज, तो यहाँ पे सेबी को बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बेसिकली सेबी जो है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट बॉडी जो सारे स्टॉक मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, इस बॉडी को हर चीज़ पता होती है कि मार्केट में कितने लोग हैं, कौन ट्रेड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितने बॉडीज है, बिजनेसेस हैं, हर एक चीज़। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ करनी है, दीज पीपल हैव टू नो वॉट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और गवर्नमेंट को पता है आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे टैक्स देने की बात आ जाती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में एक साल के अंदर प्रॉफिट कमाते हो तो उस पर 15% टैक्स, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते हो तो उस पर 10% टैक्स, इंट्राडे पे अगर कमाते हो तो उस पर जो भी आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट लगता है वहाँ पर आप इनकम टैक्स दोगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे अलग अलग ट्रेडिंग कॉस्ट जैसे स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस एंड सो ऑन। और ये जो सारे टैक्सेस और कॉस्ट होते हैं ना, वो लॉन्ग रन में एड अप होते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे शातिर लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम इस सिस्टम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि मैं एक ब्रोकर हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो मुझे बताओ और इस ट्रेड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ ब्रोकर बोलेगा, आप पैसे भी मत दो, हम एंड में सेटल कर लेंगे। यानी कि देखो, अगर आप बोलते हो ठीक है भाई मैं इन्फोसिस के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो ब्रोकर अपने किताब में आपका नाम और उसके आगे इन्फोसिस और प्लस 10 लिख देगा। तो यहाँ पे ब्रोकर कह रहा है ठीक है, आपने इन्फोसिस के 10 शेयर खरीद ली, समझिए आपने वो 10 शेयर 1000 रुपये में लिए थे पर शेयर, और कल को शेयर की प्राइस 1100 रुपये होगी, तो आपकी जो टोटल पोजिशन थी उसकी वैल्यू है 11000 रुपये, यानी कि आप 1000 रुपये के प्रॉफिट में हो। तो अगर आप बोलते हो मुझे शेयर बेचना है, तो ब्रोकर अपने जेब से आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दे देगा। सिमिलरली अगर आपकी पोजीशन की वैल्यू 9000 रुपये पर गिर जाती है, तो आपको ब्रोकर को वो लॉस वापस देना पड़ेगा। बेसिकली जब भी आप अपनी पोजीशन एग्जिट करते हो और बोलते हो मुझे बेचना है, ये सेटलमेंट होती है। या फिर अगर ब्रोकर को लगता है आपके लॉसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो ब्रोकर ही आपको बोलेगा कि आपके लॉस बहुत बढ़ गए, चलो अभी पैसे निकालो। मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो ब्रोकर का लॉस होता है, सिमिलरली ब्रोकर का जो प्रॉफिट होता है वो आपका लॉस होता है। और अब देखिए, ये पूरा ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट पर हुआ भी नहीं। एज आई सेड, ब्रोकर ने सिर्फ अपने नोटबुक में आपके नाम के आगे आपके शेयर्स और उनकी क्वांटिटी लिख दी। तो देखिए, जो पूरी अरेंजमेंट है ये कैश के बेसिस पे होती है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट, टैक्स, इसका कोई सवाल नहीं आता। ये पूरा ऑपरेशन ऑफ द बुक्स होता है, इसी की वजह से आपको डिविडेंड, शेयर बायबैक, बोनस, इस सब का भी बेनिफिट नहीं मिलता। अब एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, अगर आपका प्रॉफिट ब्रोकर का लॉस है तो ब्रोकर अब तक धंधे में सर्वाइव कैसे कर रहा है। देखिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि मार्केट में 80% लोग पैसे नहीं कमा पाते। तो इसीलिए अगर एक ब्रोकर के पास बहुत सारे कस्टमर्स है, तो मेजॉरिटी जो होती है उस कस्टमर्स की, वो लॉस बना रहे, और जो थोड़े बहुत कस्टमर प्रॉफिट भी बना रहे, वो भी लॉन्ग रन में जाके लॉस बनाना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल ब्रोकर हमेशा जीतता है। लेकिन समझिए, ऐसा एक टाइम आया जब बुल मार्केट बहुत स्ट्रांग चल रहा है, हर एक इंसान प्रॉफिट बना रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रोकर ही जीतता है। क्योंकि ब्रोकर क्या करता है, आपके जो भी सारे पैसे होते हैं, जो आप अगर उसको देते हो तो वो लेके भाग जाएगा। इन मेनी केसेस क्या होगा, डब्बा ट्रेडिंग का ब्रोकर आपको पहले बोलेगा कि आप बिना कैश के ट्रेड करो, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वो बोलेगा कि अगर आपको ये ट्रेड लेनी है तो आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 10000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इन सच केसेस द ब्रोकर मे इवन रन अवे विद योर मनी। और ऑब्वियसली आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, बिकॉज आप भी तो इलीगली ट्रेड कर रहे थे। तो अब बात आती है कि हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज इशूज। देखिए, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, मेक श्योर दैट आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है।
कोई भी ब्रोकर इंडिया में अपने ऐप और वेबसाइट पे उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। अगर आप इस नंबर को वेरीफाई करना चाहते हो, आप सेबी के वेबसाइट पे जाके वो नंबर एंटर कर सकते हो और आपको उस ब्रोकर का नाम वहां पे दिखेगा। अगर ये डिटेल्स आपको वहां नहीं दिखती, इट्स लाइकली दैट द ब्रोकर इज नॉट लाइसेंस्ड। लेकिन अगर आपको फिर भी टैक्स नहीं देना, कॉस्ट नहीं देने और आप डब्बा ट्रेडिंग में एंगेज करते हो, तो नो दैट आप प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत एक क्राइम कमिट कर रहे हो। तो अगर ये बात बाहर आती है तो आप पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। तो इसी की वजह से प्लीज स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट लीगली। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ यू कैन स्टे सेफ इन द स्टॉक मार्केट। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो उसको लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखते रह सके। और पिंड कमेंट से हमें बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.